वेलकम टू फेस्ट प्लस। और हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर, जिनमें टॉपिक होंगे। हम टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले होगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो 100 मेगावाट का है, कहाँ पर, रामागुंडम में। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या है, रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषताएँ क्या है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ये सोलर पैनल्स हैं जो आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, और हम देखेंगे कि परियोजना के पर्यावरणीय लाभ क्या हैं और संबंधित चुनौतियां क्या हैं इस योजना से संबंधित, और अन्य सौर ऊर्जा पहल जैसे कि सौर पार्क योजना है, रूफटॉप सौर योजना है, अटल ज्योति योजना है, उनके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखेंगे हम PSLV C-53, तो क्या है ये, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर है राजस्थान में यूरेनियम की खोज, यूरेनियम आपको पता है, जिसे ऊर्जा का जो ये पावर प्लांट होते हैं उनके अंदर, जो रिएक्टर वगैरह होते हैं उनके अंदर ऊर्जा उत्पादित करने में काम आता है यूरेनियम, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि कहाँ मिला है। फिर नेक्स्ट है मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान, वो भी हम देखेंगे, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, स्वचालित मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा, ठीक है। तो ये प्रमुख टॉपिक हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। और अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो हाल ही में 100 मेगावाट ये रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट अर्थात 33 सौर ऊर्जा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना को 1 जुलाई 2022 से चालू घोषित किया गया। 1 जुलाई मतलब जो इस मंथ का 1 तारीख थी, तब से इसको चालू कर दिया गया, और यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या है, तो ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं जो प्लेटफॉर्मों पर लगे होते हैं तथा जलाशयों, झीलों पर तैरते रहते हैं, जहाँ की स्थितियाँ समुद्र और महासागर जैसी होती हैं। मतलब ये जिस झील पे होते हैं या जिन जलाशयों पे होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो समुद्र और महासागर जैसी होती है। इन प्लेटफॉर्मों को आमतौर पर तालाबों, झीलों, जलाशयों जैसे पानी के शांत निकायों पर लगाया जाता है। इन सोलर पैनल का निर्माण अपेक्षाकृत जल्दी होता है और इन्हें स्थापित करने के लिए भूमि को समतल करने या वनस्पति को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे आपको पता ही है कि तालाब, झील और जलाशय हैं, तो वहाँ पर ना तो ज़मीन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी तरह की कोई भी पेड़ पौधों को काटने की ज़रूरत होती है, ना ही भूमि को समतल करने की आवश्यकता होती है। रामागुंडम परियोजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं वो भी देख लेते हैं हम। यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से संपन्न है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है, तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। कितनी है, 2.5 मेगावाट प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता। तो ये देख रहे हैं आप इमेज के अंदर, ये फ्लोटिंग पैनल्स हैं और प्रत्येक ब्लॉक की जो क्षमता है 2.5 मेगावाट है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये एक पूरा ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ऐसे करके ये ब्लॉक है जिसकी क्षमता कितनी है, 2.5 मेगावाट। प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है। यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो 40 ब्लॉकों में विभाजित है, तथा प्रत्येक ब्लॉक की क्षमता 2.5 मेगावाट है, जैसे कि अभी हमने जाना। संपूर्ण फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष प्रकार के हाई मॉड्यूल्स पॉली इथाइलिन रस्सी के माध्यम से संतुलित रूप से जलाशय में स्थापित किया गया है। यह परियोजना इस मायने में अनूठी है, मतलब स्पेशल है, या एक स्पेशल योजना है कि इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर, HT पैनल और पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण सहित सभी विद्युत उपकरण फ्लोटिंग फेरो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध होते हैं। तो इसके अंदर जो भी आवश्यकताएं की जो उपकरण है, ठीक है, ज़रूरत के सारे उपकरण इसी
जो फ्लोटिंग फेरो सीमेंटेड जो प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर ही उपलब्ध होते हैं। अब परियोजना के पर्यावरणीय लाभ देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल जो प्रॉफिट है उसके क्या क्या हैं। सीमित भूमि की आवश्यकता, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सबसे स्पष्ट लाभ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता। अब जब पानी पे लगा रहे हैं तो जमीन की तो आवश्यकता है नहीं, तो ज़्यादातर संबंध निकासी व्यवस्था के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कम जल वाष्पीकरण की दर। अब जैसे किसी जलाशय पे, ठीक है, तालाब पे या झील के ऊपर अगर ये सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाएगी, जिससे पानी की भी बचत होगी। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पैनलों की उपस्थिति के कारण जल निकायों से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है, इस प्रकार जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। लगभग 32.5 लाख घन मीटर जल को प्रतिवर्ष वाष्पीकरण से बचाया जा सकता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में भी कुशल। अब कैसे वो देखते हैं। सौर मॉड्यूल के नीचे का जल निकाय उनके परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है। इसी तरह प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत को रोका जा सकता है, जिससे प्रतिवर्ष 2,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचा जा सकता है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे जो कार्बन CO2 का जो उत्सर्जन है वो कम करने में अपन को सहायता मिल रही है। तो ये तो हो गए इसके प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखते हैं किसी भी योजना के प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो लाभ तो हमने देख लिए, अब चुनौतियाँ क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इस योजना से संबंधित चुनौतियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्थापित करने में महंगा है। तो जो ये सोलर पैनल जो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उनका इंस्टॉलेशन है वो बहुत महंगा पड़ता है। पारंपरिक PV सिस्टम की तुलना में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। मुख्य कारणों में से यह एक है कि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत नई है, इसलिए विशेष ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है इसकी स्थापना लागत में भी कमी आने की उम्मीद होती है। हाँ, तो ये तो पता ही है सबको कि सोलर जो पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं वो एक हाईली हाईली मतलब कॉस्टली है, हाई कॉस्ट की जो कॉस्टली है ये स्थापित करने में, ठीक है। सीमित अनुप्रयोग, कई अस्थायी सौर प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर हैं और वे बड़े समुदायों, कंपनियों या उपयोगिता कंपनियों को विद्युत प्रदान करते हैं, इसलिए रूफटॉप इंस्टॉलेशन या ग्राउंड माउंटेड सोलर चुनना अधिक व्यवहारिक होता है। वाटर बेड स्थलाकृति की समझ, फ्लोटिंग सौर परियोजना को विकसित करने के लिए वाटर बेड टोपोग्राफी और फ्लोट सेतु लंगर स्थापित करने की उपयुक्तता की गहन समझ की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे मान लो कि कोई फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट लगा दिया, पैनल लगा दिए, ठीक है, तो पैनल ऐसे तो किनारे पे आ जाएंगे, तो जो लंगर होता है यानी कि जैसे जहाज का लंगर होता है तो जब किनारे पे आता है तो वो लंगर डाल देते हैं ताकि जहाज अपने आप समुद्र के अंदर ना चल जाए। तो उसी प्रकार से जो पैनल होते हैं उनको स्थायी बनाने के लिए, मतलब जैसे घूम घूम के किनारों पे ना आ जाए और डैमेज ना हो, इस वजह से लंगर डाला जाता है। तो उसके लिए उपयुक्तता की गहन समझ होनी चाहिए, वाटर बेड टोपोग्राफी और फ्लोट सेतु, ठीक है। तो ये प्रमुख चुनौतियाँ हैं। और अन्य सौर ऊर्जा पहले क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सौर पार्क योजना। तो क्या है ये, कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजना है, यही सौर पार्क योजना है, ठीक है। फिर है रूफ टॉप सौर योजना। तो आप देखे होंगे अपने घरों के ऊपर रूफ टॉप सौर योजना के तहत लोगों ने इंस्टॉल किए हैं पैनल, सौर पैनल, ताकि उनकी जो ऊर्जा आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति हो सके। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अटल ज्योति योजना यानी कि अजय योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए शुरू की गई थी, जहां ग्रिड पावर 50% से भी कम घरों को उपलब्ध हो पाई थी, ठीक है। ये जो आंकड़ा है 50% वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। आपको पता है ये 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना स्थापित हो चुकी है, मतलब विस्थापित हो चुकी है, तो अब ये होगी 2023 में लगभग। नेक्स्ट है PSLV
PSLV C-53। तो क्या है ये? हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसरो की स्थापना कब होती है, और ये लैब असिस्टेंट, राजस्थान का जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इसरो की स्थापना का, साइंस वाले सेक्शन में। इसरो ने आंध्र प्रदेश की श्री हरिकोटा से PSLV C-53 मिशन लॉन्च किया, जिसने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। PSLV C-53 अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये IAS के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, क्या ये कथन सही है? तो इस कथन को आपको सत्य मानना है, क्योंकि ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है ये, जो PSLV का C-53 है मिशन, वो दूसरा वाणिज्यिक मिशन है किसका? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। इसरो का PSLV का 55वां मिशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो PSLV है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका ये 55वां मिशन है। इस प्रक्षेपण यान में यान ने 3 उपग्रह DSEO, न्यू सार और स्कूप 1 उपग्रह को लॉन्च किया है। NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2019 में हुई थी तथा यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। तो ये इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है और ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है। तो ये प्रमुख बिंदु है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अपना राजस्थान में यूरेनियम की खोज। हाल ही में राजस्थान के सीकरी जिले के रोहिल यानी कि खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, तो ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। ठीक है, इस रिजर्व के साथ ही यह राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया है, तो मतलब गौरव की बात तो है ही, क्योंकि यहाँ पर जो यूरेनियम की जो भंडार मिले हैं वो विशाल भंडार मिले हैं, इसी वजह से दुनिया में राजस्थान का चर्चा हो रही है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहाँ यूरेनियम पाया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, झारखंड दूसरे स्थान पर है और अब राजस्थान तीसरे स्थान पर आ गया है जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम को दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में गिना जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश राज्य के यूरेनियम की खुदाई चल रही है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो अगर देश पूछे तो कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ यूरेनियम मिलता है, सबसे बड़े उत्पादक करते हैं ये यूरेनियम का। और झारखंड के अंदर कौन कौन है? तो जादूगोड़ा है और आंध्र प्रदेश के अंदर भी यूरेनियम की खुदाई चल रही है। तो अपने जो देश के अंदर राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश और झारखंड है और उसके बाद अब राजस्थान तीसरे स्थान पर आ गया है। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यू है और परमाणु क्रमांक 92 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं U-92 ऐसे। यूरेनियम कमजोर रूप से रेडियोधर्मी है, कमजोर रूप से रेडियोधर्मी है क्योंकि इसके सभी समस्थानिक अस्थिर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक तो उसका प्रतीक यू, उसका परमाणु क्रमांक 92 और कमजोर रेडियोधर्मी, ये भी याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। यूरेनियम एक मजबूती से मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेडियोधर्मी है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वह एक कमजोर रेडियोधर्मी है क्योंकि इसके सभी समस्थानिक अस्थिर होते हैं। यूरेनियम का उपयोग आमतौर पर विद्युत पैदा करने, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाओं और फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। तो इसके उपयोग भी आपको ध्यान रखना है, किस किस में? विद्युत पैदा करने में, परमाणु ऊर्जा में, रक्षा उपकरण में। तो ये तीनों तो आप अंदाजे भी लगा सकते हैं, लेकिन दवाओं और फोटोग्राफी के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसका अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको याद रखना है, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में, परमाणु ऊर्जा में, रक्षा उपकरण में, दवाओं में और फोटोग्राफी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में यूरेनियम, यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 के रूप में भी पाया जाता है। तो यह है यूरेनियम के प्रकार, यूरेनियम, यूरेनियम-238, यूरेनियम-235 के रूप में पाया जाता है। तो ये था राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। नेक्स्ट है
मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कर लिया गया है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ ने 1 जुलाई 2022 को ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। इसके साथ ही भारत ने गुप्त मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि UCAV का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली है। इसे स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। तो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसको रडार के ऊपर ट्रेस ना किया जा सके उसको स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह कार्यक्रम भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में विकसित करने से संबंधित है। उड़ान पूरी तरह से स्वायत्त मोड में संचालित की गई। विमान ने एक महत्वपूर्ण उड़ान का प्रदर्शन किया जिसमें टेक ऑफ हो गया, वे पॉइंट नेविगेशन और एक आसान टच डाउन शामिल है। यह विमान एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है। यह स्वचालित विमान निर्मित करने और सैन्य प्रणाली के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये देखिए विमान, यह है विमान जो एक स्मॉल टर्बो इंजन से चल रहा है। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में शुक्रवार को स्वदेश निर्मित ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हील टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट हुआ है और मानव रहित इस स्वचालित विमान ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। स्वचालित विमान निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है और इससे सैन्य तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, तो ये आप इमेज देख लीजिए किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा। तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये आपको, ये हमने प्रमुख टॉपिक पढ़े 4 जुलाई के। ठीक है, तो अगर आपको वेस्ट प्लस पे आप नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।